Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Indian Penal Code 29A, Electronic Record, Section 2. Cyber stalking means following the person with the intent to harass or embarrass other person. When these acts are committed with the aid of computers and internet, it is termed as cyber stalking. Stalking can be on social media through SMS, phone calls, etc. It often also involves criminal intimidation, Section 503 IPC and extortion. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हर्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सलैम का लैमिनेटर है जो कि मैंने खोल के रखा हूँ। और ये किसी ने काम किया था इसके ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो इंडिकेटर लाइट वगैरह है, पावर का, रेडी का, ये सब नहीं चल रहा है और इसमें हीट भी नहीं हो रहा है। तो हीट कैसे होता है मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि इसमें तो काम किया हुआ है, गंदगी इसमें फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो छोड़ो सब बातें, अभी हम इसमें काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो चीज है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये एक सेंसर है जो कि यहाँ पे लगा रहता है, मैं दिखाता हूँ, यहीं पे लगा रहता है इसके साथ ऐसे इस तरीके से। तो ये हीट को सेंस करता है और सेंस करने के बाद इसको काट ऑफ कर देता है। तो ये होता है काम। और यहाँ पे जो रिले है ये भी आपका ये कॉयल के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि ये रिले अगर काम नहीं करेंगे तो ये आपका ट्यूब भी नहीं गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉयल का कनेक्शन है उसको मतलब सप्लाई देने के लिए, मतलब जो रिले का कॉयल है उसको सप्लाई देने के लिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर भी दिया गया है, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सप्लाई से शुरू से मतलब स्टार्ट से चेक करना शुरू करेंगे। तो यहीं पे एसी सेक्शन जो है, एसी वोल्टेज, यहाँ पे चार डायोड लगा हुआ होता है, देखिए उन्होंने चेंज किए थे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एसी वोल्ट इसमें इनपुट होता है और यहाँ पे जो दो लाइन है, दो ट्रैक, तो इसमें से डीसी आउटपुट करता है। तो चलिए हम इसको चेक भी कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। और इस तरफ भी आप नजर रखिएगा, यहाँ पे लाइट जलना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मोटर जो है वो घूमना शुरू कर देगा। तो चलिए हम इसको चालू करते हैं और ये चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो मोटर का जो यहाँ पे प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम वगैरह सब घूम रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे वोल्टेज को चेक करेंगे। तो फिलहाल हम डीसी वोल्ट में रखेंगे क्योंकि डायोड में से आपका डीसी वोल्ट आउटपुट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 0 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसी वोल्ट को भी चेक करेंगे। तो चलिए हम एसी वोल्ट को चेक कर लेते हैं। तो एसी वोल्ट को चेक करने के लिए आपको एसी 500 में रखना होगा। तो उसके बाद अब हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायोड का दो पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे ये जो दो डायोड यहाँ पे ये आउटपुट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका एक पॉइंट है और यहाँ पे भी एक पॉइंट है। तो हम इस पॉइंट में एक लगा देंगे क्योंकि ये एक कैपेसिटर के थ्रू आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एसी वोल्ट नहीं आ रहा है। तो इससे पहले कौन सा कनेक्शन में ये जा रहा है तो वो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो मेन सप्लाई है उसको हम चेक कर लेते हैं, ये वाला नहीं। टू फोर्टी। तो हम अगर दोबारा यहाँ पे चेक करेंगे तो इसमें 1 वोल्ट, लेकिन ये एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है तो इसके जरिए ये काम करता है और इसमें एक रजिस्टर भी लगा हुआ होता है। तो चलिए हम इसको बंद करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो हम इसको भी चेक करेंगे। तो चलिए इसको खोलते हैं। और यहाँ पे देखिए 630 वोल्ट का है और 105 जे, मतलब 1000 NF, मतलब 1 माइक्रोफैराड है। तो हम फ्लूक का मल्टीमीटर इस्तेमाल करेंगे इसको चेक करने के लिए। तो
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रख दिया मल्टीमीटर को और यहाँ पे इसको चेक करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए 0.545658 NF, तो ये 1000 NF या तो फिर आपका 1 माइक्रोफेराड दिखाना चाहिए। तो दूसरा हम चेक करके आपको दिखा देते हैं जो नया है। तो ये देखिए एक नया है, तो ये है CBB22 400 वोल्ट का है, 105 J, ठीक है, सेम नंबर का ही है लेकिन वोल्टेज थोड़ा सा कम है। तो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 9.960 UF, मतलब माइक्रोफेराड, मतलब ये 1 माइक्रोफेराड के आसपास आ रहा है। तो हम इसको लगा देते हैं और उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले ये सप्लाई नहीं मिल रहा था तो हम इसको ऐसे चेंज किया, और अगर सप्लाई मिल जाएंगे तो इसके बाद तब भी अगर नहीं होता तो हम दूसरा कुछ करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम इसको रख देते हैं और इस तरफ और इस तरफ, चारों तरफ आप नजर रखिएगा, देखिएगा कि क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लाइट भी आ चुका है सक्सेसफुली, और ये गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देखना होगा। तो यहाँ पे लाइट आ चुका है, तो हम ये हीट जो है टेम्परेचर इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और ये गर्म होता है कि नहीं होता है देखते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये गर्म होना जरूरी है और ये गर्म होना शुरू भी हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा हीट करूँगा और आपको दिखा दूंगा और उसके बाद इसको सेटअप करके डिलीवर कर दूंगा। जो और ये जो आया ये प्रिंस कंप्यूटर से आया है, जो कि मेरा काफ़ी पुराना कस्टमर का है, मतलब कि देखिए ये गर्म होना शुरू हो चुका है, ठीक है, ये रेड हो रहा है, एकदम ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी गर्म हो चुका है। और इसमें हाथ भी मत लगाइएगा, ये देखिए गर्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसका जो टेम्परेचर है उसको कम कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट भी जल चुका है। तो गाइज ये जो काम मैंने किया बहुत ही सिंपल तरीका है और ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप चेंज ये जो सेंसर वगैरह होते हैं इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, रिले को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी रिले खराब होता है तब भी ऐसा होता है, लेकिन अभी अभी मैंने तो देखा कि सप्लाई से इनपुट नहीं हो रहा था तो मैंने इसको चेंज किया और ये हो चुका है। तो चलिए हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और अभी मैं फिर से इसको समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये जो रजिस्टर है ये ऐसे कनेक्टेड है, ये जो कैपेसिटर है इसकी फर्स्ट और सेकंड पिन, मतलब दोनों पिन के साथ कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पे एक पिन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्वीजर। तो ये देखिए ये जो एक पिन है और यहाँ पे एसी वोल्ट तो मिल रहा है, और यहाँ से डायरेक्टली 1 MΩ का ये रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे दूसरे पिन के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि चार्जर लाइट में होता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर में ये सप्लाई मिलेंगे, वो भी मतलब कि रजिस्टर के थ्रू नहीं, कैपेसिटर अगर सही होंगे तब भी मिलेंगे। तो ये कैपेसिटर में से यहाँ पे डायोड में मिलता है, और डायोड में मिलने के बाद यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफाई हो रहा है 4 डायोड के थ्रू यहाँ पे, और वो रेक्टिफाई होकर यहाँ पे डीसी वोल्ट आपको आउटपुट मिल रहा है, जो कि इसी सेक्शन को चला रहे है। ये जो यहाँ पे आपका प्रीसेट वगैरह है, आईसी वगैरह, इसमें सब जगह पे इसमें सप्लाई मिल रहा है। तो ये अगर आपका खराब हो जाएंगे ये कैपेसिटर मैंने जो चेंज किया, तो तब भी आपका ये काम करना बंद कर देगा। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हर कोई बंदे के पास ऐसे लैमिनेटर सर्विस करवाने के लिए आ सकता है, क्योंकि लैमिनेटर मार्केट में बहुत चलता है और जो है कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं होते रिपेयर करने लायक, ठीक है। और मैं भी तो डर गए थे इसको कि क्या करूं भाई, उन्होंने तो बहुत गंदगी फैला दिया, उन्होंने पावर ऐसी भी तो चेंज किए थे जिसका मतलब जिन्होंने रिपेयर करने की कोशिश की, ये देखिए तब भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, मतलब उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कैसे रिपेयर किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी अभी न्यू इंजीनियर है तो इसीलिए कोशिश भी करता है, तो करने दो भाई, वो कोशिश करेंगे तब जाके हम लोगों को पैसा मिलेगा, ठीक है। देन हम यहाँ पर इसको लगा देंगे और इसको टाइट भी कर देंगे, और टाइट करके सेंसर को भी लगा देंगे,
लगभग इसको डिलीवर कर देंगे। और ये जो कवर है ना, ये कवर भी मेरे को, कवर का स्क्रू भी मेरे को नहीं दिया गया, तो क्या करें, इसको रिपेयर तो कर दिया मैंने और अभी इसको डिलीवर भी कर दूंगा। उसको पकड़ो तो सूरज, उठाओ। तो अब हम ये जो सेंसर है इसको लगा देते हैं। और सेंसर के बिना क्या होगा, ओवर हीट अगर हो जाएंगे जितना आप चाहते हैं, तो उससे भी हीट अगर ज्यादा हो जाएंगे तब भी ये बंद नहीं होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसको लगाना जरूरी है। और कंपनी ने भी लगाया है तो आप भी लगाइएगा। और कभी कभी सेंसर खराब होने की वजह से ये क्या होता है, कुछ मॉडल में तो पावर ही नहीं जाते और कुछ मॉडल में ये ज़्यादा से ज़्यादातर हीट कर देता है, ठीक है। तो आप सेंसर को चेंज भी कर सकते हैं, नॉर्मली मार्केट में मिलता है 2 से 3 रुपए में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। दोबारा हम इसको चालू करके देख लेते हैं। तो चलिए हम दोबारा इसको चलाते हैं और देखते हैं कि गर्म होता है कि नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 इंडिकेटर भी जलना शुरू हो चुका है, ठीक है। और देखिए ये अगर हम इसको कम कर देते तो ये लाइट जलना शुरू हो जाते, और इसको अगर ज़्यादा करेंगे तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएंगे, जितना चाहिए जी ज़रूरत के हिसाब से वो जो करते हैं लेमिनेशन वो करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, रिले भी काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत गर्म हो जाएंगे तो जल्दी से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए कुछ नहीं बताऊंगा भाई, कितनी बार बोलूंगा धन्यवाद धन्यवाद। चलो रखो।